सर uh, मेरा एक प्लॉट है hmm. हज़ार गज़ का hmm. मैं उसको कमर्शियल करना चाह रहा हूँ हाँ ah. शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इंसानों के पास आप लोग कैसे कैसे ख्वाहिशात लेके आ जाते हैं सर ये काम सिर्फ आप करवा सकते हैं है? ये काम आप करवा सकते हैं ये काम मैं करवा सकता हूँ जी फर्श करो मैंने तुम्हारा प्लॉट कमर्शियल कर दिया तो क्या करोगे सर फिर मैं चार चार बेडरूम के अपार्टमेंट्स बनाऊंगा hmm. कितने का है एक अपार्टमेंट सर जो हमने फिगर निकाला है उसमें पैता पचपन लाख रुपए का एक अपार्टमेंट पचपन पच लाख का कितने अपार्टमेंट होंगे सर सौ सौ अपार्टमेंट होंगे ये प्लानिंग कैसी लगी आपको आप एक शरीफ सरकारी अफसर से पूछ रहे हैं कि ये प्लानिंग कैसी लगी आपको जिसके पास दो छोटे छोटे कमरों का क्वार्टर भी नहीं है आप उस शख्स से पूछ रहे हैं। सर आप मेरा ये काम कर दें। आप उस ईमानदार शख्स से पूछ रहे हैं कि ये प्लानिंग कैसे लगी पचपन लाख का एक एक सर आप मेरा काम कर दें पहला फ्लैट मैं वादा करता हूँ आपके नाम हमारी तरफ से, <laughs> सर, तरफ से गिफ्ट आपकी तरफ से गिफ्ट आपकी आंखों में आंसू सर मुझे परेशानी हो अशल में वाले साहब याद आ गए यकीन जाने वाले साहब ने मरने से पहले कहा था कि यूसुफ यूसुफ अम्मा को एक अलग फ्लैट जरूर दिल पा दे। तो ये फ्लैट मैं आपके नाम के बजाय आपकी वालदा के नाम कर देता हूँ ठीक है मगर मेरी एक और प्रॉब्लम है मेरी कमज़ोरी मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता हूँ दो अपार्टमेंट देने पड़ेंगे सर दो अपार्टमेंट एक करोड़ दस लाख के हो जाएंगे एक करोड़ दस लाख एक करोड़ दस लाख चलिए ये भी मंजूर आप मेरा एक काम करा दें पहले दो अपार्टमेंट एक आपके नाम एक आपकी वालदा के नाम कंफर्म कंफर्म ठीक है अब एक काम करो वो दोनों अपार्टमेंट तुम सत्तर सत्तर लाख के दो और मुझे एक करोड़ चालीस लाख कैश दे दो सर वो दोनों अपार्टमेंट तो एक करोड़ दस लाख के होंगे अरे एक करोड़ दस लाख के अभी है ना अभी तो तुम्हारे अपार्टमेंट बनना भी नहीं शुरू जब कंप्लीट हो जाएंगे तो यकीन करो इतनी प्राइस हो जाएगी सब एक करोड़ चालीस लाख सर किसके नाम में चेक बनाऊं? एक ईमानदार सरकारी अफसर से जिसने सारी जिंदगी बैंक में अकाउंट नहीं खोला बचत ही कुछ नहीं हुई मैं चेक नहीं लूँगा कैश हार्ड कैश